So there has been a crisis and a controversy that has now sprung up over the sudden and the immediate resignation of Arun Goyal as the election commissioner just weeks before we are getting the Lok Sabha elections possible announcement that is to be made. Now, with other EC Anup Chandra Pandey having retired, that leaves only Chief Election Commissioner Rajiv Kumar in the EC with elections now at our doorsteps. Now, with this development that is taking place, there is an explosion of politics. And the biggest question is as to why did he resign? Why did Arun Goyal decide to step down? Now, from what we are told, Arun Goyal had differences with the CEC, Rajiv Kumar, on several issues. Two prominent issues, sources say, were the deployment of the Central Forces for elections in Bengal and the EC's silence over SBI seeking an extension of time for furnishing electoral bonds information. To add to this list, the CEC and the EC had purportedly travelled separately to Chennai and the EC, Arun Goyal, had skipped the EC's briefing as well on the state of West Bengal. लेकिन जहां तक ये खबर आ रही है आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ टॉप इलेक्शन कमीशन सोर्सेस की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि ईसी और सीईसी जो अलग अलग ट्रैवल टुगेदर टू बिहार एंड बंगाल, लेकिन चेन्नई की तरफ जाने में उन्होंने अलग अलग ट्रैवल करा। और फिलहाल ये खबर ये भी आ रही है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहां पे रिसेंटली हुई थी, यहां पर अरुण गोयल की मौजूदगी नहीं थी जब बंगाल के बारे में डिस्कशन हुई जा रही थी, और यहां पे उनकी बताया गया कि उनकी तबियत ठीक नहीं थी। पर्टिनेंटली द ईसीआई सेज दैट देयर वर नो अग्रीमेंट्स ओवर व्हिच एनी डिसेंट नोट्स वर आल्सो सबमिटेड एंड द डिफरेंस इन व्यू पॉइंट्स वर एक्सपेक्टेड बिकॉज द कमिश्नर्स हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन देयर वर्क। But a look at the Election Commission's briefing and the events so far this year shows that Arun Kumar, who had attended all of them, apart from the most recent one, he was there in Lucknow, Chennai, where he flew separately, but appeared nonetheless in Patna, in Bhubaneswar, and even in New Delhi at the ECI's National Voters' Day event alongside the Law Minister. Let's also listen in to what the ECI had said while announcing that he wasn't present in the Kolkata briefing that happened on the 5th of March. Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal sir couldn't join the PC because of some health. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters in Delhi. We also have the CEO West Bengal, Dr. Aftab sir. Now, this has taken a political turn with the opposition now hitting out claiming that democracy is in danger. वहीं पर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बैनर्जी, उन्होंने सीधा अरुण गोयल को सल्यूट कर अपनी रैली में और उनका जिक्र करते भी नजर आई। एक बार सुन लेते उन्होंने क्या कहा। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक एंड हैव अ वर्ड विद कुमार अंकित एज वेल, क्योंकि कुमार अंकित, अगर किस तरह से समझा जाए कि आखिरकार ईसीआई में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों की जो घोषणा है वो हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन अरुण कमिश्नर अरुण गोयल की जो रेजिग्नेशन है उसके ऊपर जो है वो अपोजिशन अभी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के लीक जो है वो डिक्लेयर होती जा रही है, लोकसभा इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है। उसी में आज का अगर आप सामना देखोगे जहाँ पे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के संजय राउत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने सीधी तौर पर सामना की हेडलाइन में लिख दिया है जो एडिटोरियल है कि राज क्या इस्तीफे का राज है, जहाँ पे बताया गया है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने जो शनिवार को जो इस्तीफा दिया गया उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे स्वीकार भी कर लिया। ऐसे वक्त जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो संभव होने की संभावना है, केंद्रीय चुनाव आयोग में ही इस्तीफे का जो है वो शुरू हुआ है। उसके साथ साथ अरुण गोयल का कार्यकाल जो है वो 2027 तक था, उनकी नियुक्ति मोदी सरकार ने ही की थी। तो अचानक ऐसे क्या हुआ कि गोयल को जल्दबाजी में ये इस्तीफा दे दिया, जो इस्तीफा दिया उसी के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट गोयल की जो इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट थी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी, और उस अपॉइंटमेंट पे भी काफी सारे सवाल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। इसी के लिए जो है अभी अपोजिशन देखे जाए तो अरुण गोयल के रेजिग्नेशन पे एक सबसे बड़ा सवाल, और ये क्या राज है और किस वजह से जो रेजिग्नेशन दिया है इस पे सवाल जो है वो अपोजिशन पार्टी अब खड़ा कर रही है। जी कुमार अंकित बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी ऑपोजिशन की तरफ से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए, और एक तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो जानते थे कि आखिरकार कोई ट्रांसपेरेंसी अब नहीं बची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। एक बार सुन लेते हैं। यही अरुण गोयल थे, 24 घंटे के अंदर इनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया था, और 24 घंटे के अंदर इनकी नियुक्ति चुनाव आयोग में हो गई। तो ये तो कुछ बड़ा रहस्यमयी चीज लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि या कह सकता हूँ कि
चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है और देश का जनतंत्र खतरे में है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था, लेकिन कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और लीडर अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर तीन के सहमति से इलेक्शन कमीशन का मेंबर बने, लेकिन बाद में इन्होंने उसको पलट दिया उस जजमेंट को। अब दो व्यक्ति सरकार के हैं, एक अपोजिशन का, जिसको चाहे उसको ये बनाने, कमीशन तीन के घर का हो गया। ये बड़ा ही शॉकिंग है कि शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफा पेश करते हैं, तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है, तो यानी आप दो हुकूमत की तरफ जब होंगे तो जाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में इस तरह से हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। वेरी स्ट्रेंज दैट विदाउट एनी राइम और रीजन और एनी बैकग्राउंड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपन। फाइन, बट देयर मे हैव बीन समथिंग रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स फॉर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग लोकसभा पोल। In social media also I found one or two posts to that effect, but no details are available. But it is a very strong step taken by Mr. Arun Goyal. But stresses and strains are always there, that all the decisions of election commission shall be taken either unanimously or by majority. But when there are two, then things are difficult. গতকাল ইলেকশন কমিশনার একজন পদত্যাগ করেছেন। সংবাদপত্রে দেখলাম বাংলার ওপরে যথেচ্ছার সন্ত্রাস, বাংলার ওপরে জোর করে নির্বাচনী ফোর্সফুলি দখল করবার যে প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের, লুট করবার যে প্রচেষ্টা তিনি মেনে নিতে পারেননি, তাকে আমরা মিটিং থেকে স্যালুট জানাই। এবং মনে রাখবেন, প্রমাণিত হয়ে গেছে ইলেকশনের নামে কলঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের ভোটেরা আর কেন্দ্রীয় সরকারি ভোট পরিচালনা করছে। Obviously, there is something because his term is still there, and there must be some obviously difference of opinion. He says he resigned for personal reasons, and normally when people resign, even when there is a difference of opinion, normally they have this, use this neutral language that I have resigned for personal reasons. So I don't think that we should take it at its face value. There must be some difference of opinion, especially in the context of West Bengal and the elections to take place there. Obviously, they want to use the Election Commission of India to their political advantage. They've done so for the last 10 years, and the Election Commission of India has very kindly agreed to their demands. In fact, this government in the last 10 years have decimated all institutions, and in fact decimated the pillars of democracy. So these are things that the people of this country are watching. So we know that the intention of this government is to capture India, right? Okay. And then charter a future consistent with their ideology. And I don't think the people of India ultimately will allow that. No doubt about that. The Election Commission is already a long arm of this government. And they will do what the government wants, as simple as that. Unke istife se main bhi chakit hoon, lekin unhone swam kaha hai ki wo niji karanon se istifa de rahe hain. विपक्षी दलों का जो शोर शराबा है वो बेमतलब है। शीघ्र ही नए इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों के संकेत मिले। इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा।
ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले है।